अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं अपने न्यू व्लॉग के साथ, जिसमें हमारे ये छोटा सा सैलून है, हमारा एक सेटअप है। तो हमारी स्टूडेंट है एक मिशेल, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एंगेजमेंट हुई है और हम उसे आज पार्टी देने जा रहे हैं। पार्टी में आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर, जिसकी हम मुकम्मल रेसिपी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी हम मुलाकात करवाते हैं अपनी ऑल टीम के साथ, और आइए देखिए, वेलकम करते हैं हम अपनी फ्यूचर ब्राइड को। ये है हमारी फ्यूचर ब्राइड और ये है मेरी ऑल स्टूडेंट्स। देखें जनाब, ये है हमारी ऑल स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन करो यार अपनी फ्रेंड को, क्या हो गया तुम लोगों को। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत 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 ज्यादा अच्छे करे। आप भी इसको स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। और ये हमारा छोटा सा एक सेटअप है। और चलो जनाब तैयार हो, ये तैयार हो रही थी, माजरत के साथ मैंने इनको तंग कर दिया। तो हम इनको ऐसे करते हैं, तैयार होने देते हैं, हम चलते हैं अपने जिंगर बर्गर की रेसिपी की तरफ। मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, देन हमने किस तरीके से सर्व किया और किस तरीके से हमने इन्हें वो खिलाया पिलाया, ये सब हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो जरूर हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है ये, फुल पीस हमने घर पे मंगवाया था। कटिंग इसकी हमने अपनी मुताबकत से की है, क्योंकि बाज़ार की कटिंग बहुत मोटी मोटी होती है तो वो इतना अच्छा चिकन लगता नहीं है। तो इसको हम लोगों ने पतले पतले स्लाइसेस में कटिंग कर लिया बर्गर की मुताबकत से। ये हमारे पास है दही और साथ में दूध है, थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दूध है। और यहाँ पे हमारे पास है नमक 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं और लहसुन पाउडर है हमारे पास, और थोड़ा सा हमारे पास जो है वो कलर है, फूड कलर। आप वनीला कलर ले सकते हैं, ऑरेंज कलर ले सकते हैं। इसके अलावा ये सोया सॉस है और चिली सॉस है हमारे पास और विनेगर है हमारे पास। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड होंगे, तो हमने मुकम्मल तौर पर मिक्स करना है। ऑल मटेरियल हमारे पास मिक्स हो गया। स्टार्ट में चिकन टिक्का का मैंने नहीं आपको बताया था, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्पाइस जो है चिकन टिक्का का देना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर स्पाइसी करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के नज़दीक जो है वो आप चिकन टिक्का ऐड कर लें। इससे ज़्यादा या कम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ओनली ऑप्शनल है। इस तरीके से तमाम पीसेस को एक एक करके हम इसके अंदर डिप कर देंगे और मैरिनेशन करके तकरीबन ढाम के 1 डे पहले कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सुबह टाइम पे कर दें और शाम टाइम पे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मैदा, मैदे में डाला है तकरीबन 1/2 टीस्पून के नज़दीक हमने नमक, और थोड़ा सा इसके अंदर हम जो है वो ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको मिक्स करके लेंगे। इसके अलावा आप इस मैदे के अंदर जो है वो लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। जितना आप स्पाइसी करना चाहते हैं, जितना आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही अब ये हमारा जो चिकन है उसकी मैरिनेशन तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे स्टे दिया। चिल वाटर हमने ले लिया है, जो फ्रिज का था, ठंडा यख वाटर होना चाहिए आपके पास। तो इसमें से ये हम एक एक स्लाइस अब लेंगे। इस तरीके से इसको सबसे पहले मैदे के अंदर कोट करेंगे, तो इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि मैदा इस पर फिक्स हो जाए। फिर इसको चिल वाटर में ऐड करेंगे, इसको हम फिर चिल वाटर के अंदर ऐड कर लेंगे। इसको वाटर में ऐड करके तो दोबारा से हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे, और अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रेस करना है ताकि जो क्रम्स हैं वो हमारे अच्छे तरीके से मैदे के बन जाएँ। तो ये इस तरीके से आपने प्रेस करते जाना है। इसको आप बना बना के सेपरेट रख भी सकते हैं डिश के अंदर, और अगर साथ साथ ही फ्राई करना चाहें तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, बट अगर साथ साथ फ्राई करना है तो थोड़ी ही इस स्पीड आपको इसमें
तेज़ रखनी पड़ेगी ताकि ये ना हो कि पहले वाला पीस जो है वो कुक हो जाए ज़्यादा और जो बाद वाला पीस है वो ज़्यादा कुक ना हो सके, ठीक है। बट वो आप अपने मेंटेनेंस के मुताबिक से चेक करें कि जो कुक हो गया आपको लग रहा है तो वो आप निकाल लें, और जो नहीं हुआ वो आप अभी उसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम दे दें। इस तरीके से हमने इसके अंदर पीसेस ऐड कर लिए हैं, तो कोशिश करें सही हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो, और तकरीबन 10 to 15 मिनट इसको पकने में लगेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने फ्राई करना है और सही डीप फ्राई करना है। इसके अंदर कम ऑयल नहीं होना चाहिए ताकि जो इसकी क्रिस्पी है, इसके जो क्रम्स हैं वो बेहतरीन क्रिस्पी बने और अंदर तक ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर ऊपर से कुक हो जाएगा, लेकिन ये अंदर तक जो है इसका वो चिकन क्योंकि कच्चा होता है तो ये कुक नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन से क्रम्स भी रेडी हो चुके हैं। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इस टाइम पे ये रेसिपी देख के। इस तरीके से ज़रूर बनाएं, यकीन जाने कि बाज़ार के जिंगर बर्गर की निस्बत इस तरीके से आप घर बना के अपने बच्चों को खिलाएं तो हाँ, हमने बर्गर्स ले लिए हैं जो गोल वाले बंस हैं उनको लिया, इस पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाया है दोनों साइडों पे, और तवे के ऊपर रख के या पैन पे रख के आप इसको गर्म कर सकते हैं ताकि ये भी क्रिस्पी हो जाएं, गर्म हो जाएं। इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हम करेंगे, और अब इसको हमने डिश में निकालना है। वन साइड पर हम इसके मायनीज लगाएंगे, उसको स्प्रेड कर लेंगे, और दूसरी साइड जो उनसे इसकी है जो अप साइड है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है। वन साइड पे आपने मायनीज लगानी है और वन साइड पे आपने इसके कैचअप लगानी है। कैचअप लगा के भी आप स्प्रेड कर लेंगे, मायनीज लगा के भी आप इनको स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ अब आपने ली है बंद गोभी, उसको आपने रखना है। इसमें आप शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, इसमें आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, खीरे ऐड कर सकते हैं, सब ऑप्शनल हैं। जो आपकी फैमिली लाइक करती है आप वो वेजिटेबल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल भी बहुत ज़रूरी हैं, चिकन भी बहुत ज़रूरी है। और ये अब हमारा जो है वो बर्गर जिंगर बर्गर बन के रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त सा। यकीन माने खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। थैंक यू भाभी, आप ये बात करें हम उन्हें तंग नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं हमसे सब्र नहीं हो रहा और इनके बर्गर भी ठंडे हो जाएंगे, तो इनको हम खाने देते हैं, ठीक है। अब अपना व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया हो। दुआओं में याद रखिए, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।